सुप्रभातम। मैं पान सिंह मिस्टे PPSDMIC नालंदा। कक्षा सप्तम विषय हिंदी में कविता है कठपुतली। कठपुतली यानी जिसका अर्थ होता है काट से बनी पुतली, जिसे डोर से बांध कर क्या किया जाता है, नचाया जाता है, यानी धागे से बांध करके जिसको नचाया जाता है वो कठपुतली कहलाती है। अब इसमें इसका संदर्भ पढ़ेंगे प्रस्तुत पद्यांश से, हमारी पाठ्य पुस्तक बसंत भाग 2 से संकलित जो कविता है कठपुतली से लिया गया है, शीर्षक से लिया गया है। इसके जो रचयिता हैं वो भवानी प्रसाद मिश्र हैं। अब इस कविता में जो कठपुतली है इसमें कवि ने प्राधीन यानी जो दूसरे के अधीन जो कठपुतली है जिसकी डोर दूसरे के हाथों में है उसके मनोभावों का क्या किया है, यहाँ पे उनके जो मन के भाव हैं उसका वर्णन यहाँ पे लेखक कर रहे हैं। अब इसमें जो कठपुतली है इसकी जो पंक्ति है कठपुतली से उबली बोली ए धागे क्यों है मेरे पीछे आगे पीछे, इन्हें तोड़ दो मुझे मेरे पांव पर छोड़ दो। सुनकर बोली और कठपुतलियाँ कि हाँ बहुत दिन दूर बहुत दिन हुए हमें अपने मन के छंद छुए, मगर पहली कठपुतली सोचने लगी एक कैसी इच्छा मेरे मन में जगी। अब जो कठपुतली है, कठपुतली का अर्थ होता है काट से बनी पुतली जिसकी डोर दूसरे के हाथ में है यानी जिसको नचाया जाता है। अब इसमें जो कठपुतली वो क्या है, लंबे समय से दूसरे के अधीन यानी प्राधीन होकर के वो जी रही है। अब उसके मन में स्वतंत्रता की क्या है, अभिलाषा है और अपनी जो आज़ादी है उसे यानी प्राधीनता यानी जो दूसरे के अधीन जो कठपुतली है वह एक दिन क्या है गुस्से से भर उठती है और वह गुस्से में कहती है, अब क्या कहती है कि हमारे आगे पीछे इतने सारे धागे क्यों बांधे हैं, यानी गुस्से में कठपुतली गुस्से से उबली बोली ये धागे क्यों हैं मेरे पीछे आगे, यानी ये जो धागे हैं ये मेरे आगे पीछे क्यों बंधे हुए हैं, अर्थात हमें बंधनों में क्यों जकड़ रखा है, क्योंकि हम प्राधीन होकर जो जीने को विवश हैं इन्हें तोड़ दो कह रही है। सुनकर बोली इन्हें तोड़ दो मुझे मेरे पांव पर छोड़ दो, कह रहे हैं जो हमारे आगे पीछे जो धागे बांध रखे हैं इनको तोड़ दो और हमें अपने पांव पर खड़े होने के लिए क्या है छोड़ दो। सुनकर बोली और कठपुतलियाँ कि हाँ बहुत दिन हुए हम अपने मन के छंद हुए, यानी बहुत दिन हो गए कह रहे हैं कि जो कठपुतलियाँ हैं वो इस यानी दूसरे के अधीन क्या है हम यानी दूसरे के अधीन हैं और बहुत दिन हुए